अपने अंदर खुशियों को ढूंढना आसान नहीं है और कहीं और इसे ढूंढना संभव ही नहीं है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कहानी सुनाती हूं आपको, दो यात्रियों, दो मुसाफिरों की, जो अपने अपने घर से एक यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिल गए क्योंकि दोनों का गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन एक ही थी, तो दोनों ने साथ में चलना तय किया। 7 दिन तक एक दूसरे के साथ चलते रहे और 7 दिन का ये सफर काफी अच्छा भी कटा दोनों का। 7 दिन बाद जब दोनों के अलग होने का मौका आया, दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, तब पहले ने दूसरे से कहा कि साहब आपके साथ ये 7 दिन बहुत अच्छे गुजरे, आप 7 दिन तक मेरे साथ थे, लेकिन क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो पहले व्यक्ति ने बताया कि मैं एक महाठग हूँ, मेरी ठगी के लिए मुझे जाना जाता है, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े वाले निकले। तो उसने कहा वो कैसे, मैं आपसे आगे कैसे हुआ? तो उसने बताया कि पिछले 7 दिन में जब जब आप अपनी गठरी छोड़कर जाते थे, मैंने आपकी गठरी की पूरी तलाशी ले ली। इतनी बड़ी यात्रा पर निकले और आपके पास कुछ भी नहीं पा पाया मैं आपसे। तब वो दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि है तो मेरे पास बहुत कुछ, मेरे पास हीरे भी हैं और कुछ अशर्फियां भी हैं। लेकिन तब पहले व्यक्ति ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो कैसे नहीं मिली? दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं जब जब अपनी गठरी को छोड़कर कहीं जाता था तो ये कीमती चीजें मैं तुम्हारी गठरी में रख जाता था। तुमने कभी अपनी गठरी को टटोलने की तो जरूरत ही नहीं समझी, तुम बस मेरी गठरी ढूंढते रह गए, इसीलिए तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। ये गठरी तो महज एग्जाम्पल है, उदाहरण है, लेकिन हम सबकी ये आदत है, हमारे पास क्या है, हमें क्या मिल रहा है, हमें कितनी ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान होता है दूसरे पर, हमारी नज़र होती है कि दूसरे के पास क्या क्या है। अपने सुख से सुखी होना हमें नहीं आता, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हम तुरंत हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी इधर उधर देखने में नहीं है, असली खुशी है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने में, उन सारी चीज़ों को गिनने में, जोड़ने में, समझने में जो हमारे पास है। और आपको पता है जब हम खुद को नज़रअंदाज करने की एक आदत सी बना लेते हैं और दूसरे के सुख से दुखी होने को अपनी आदतों में शुमार कर लेते हैं, तब अगर ईश्वर हमें कुछ वरदान देता है, कुछ अच्छी चीज़ें हमारे पास भेजता भी है ना, तो हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि खुद पर तो आपका ध्यान है ही नहीं ना। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई और जरिया, हमने आदत बना ली है एक दूसरे की जिंदगियों में झांकने की, और बहुत ज़्यादा झांकने की, और उनकी जिंदगियों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करने की। ये दुख का कारण बन रहा है। अपने आप को देखिए, देखिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास अपना परिवार है, अपने दोस्त हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये बेसिक खुशियाँ भी नहीं है। अपनी खुशियों में खुश होना सीखिए, फिर आपकी खुशियाँ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएंगी। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।